तो अभी 8 बजने वाले हैं, तो जिम जा रहे हैं। उठी थी मैं 6:30 बजे क्योंकि अनज्ञ ने वॉमिट कर दिया, उसको फीवर था। अभी है कम है, बट उसके पापा हैं, वो देख लेंगे। तो मैं क्या, मैं थोड़ा जिम जा रही थी, मतलब वो ठीक है थोड़ा, तो बात बूत कर रहा है, खेल रहा है और टीवी देख रहा है। तो फिर स्कूल नहीं भेजा, पहले 5:30 उठी, देखा तो गर्म हुआ पड़ा था, तो फिर स्कूल भेजने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ नेचुअली यूएई में वायरल चल रहा है, तो बच्चों को वॉमिट होती है पहले, उसके बाद फीवर, खांसी वगैरह ये सब हो रहा है। क्योंकि बाहर का मैंने बताया ना कि क्लाइमेट बिल्कुल ही चेंज है, अजीब सा है, मतलब ना तो गर्मी है ना ठंड है, और ह्यूमिडिटी सी है, और कपड़े तक भी सूख नहीं रहे। सो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इस वजह से हो रहा है बच्चों को। तो उसको भी है खांसी, तो बहुत ज़्यादा है, उससे खांसी से बात नहीं हो रही है, फीवर इतना नहीं है, मैंने चेक किया था। तो मैं कहा मैं थोड़ी देर जिम जा ही आती हूँ, वैसे तो उठेगा नहीं, पता नहीं क्यों उठा पड़ा। हमारी बिल्डिंगों की भी साफ़ सफाई हो रही है, ऊपर चढ़े हुए डरते भी नहीं है, कैसे हैं ये, ज़्यादातर इनमें अफ्रीकन होते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। बोला ना कि ना गर्मी है ना ठंड है, अभी देखो अभी अच्छा लग रहा है, और मेरे को 3 दिन हो गए कपड़े सुखाते हुए, कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। तो अजीब सा मौसम है यहाँ पे शायद इस वजह से, और अंदर इतनी कूलिंग की होती है, ऑफिस में, स्कूल में, बस में, तो बच्चे तो यहाँ बीमार होना है जेन्युइन ही, स्पेशली वो बच्चे जिनके इसी में रहने की आदत नहीं होती ज़्यादा। तो ठीक है, दिखाएंगे, अभी ठीक था, बात बूत कर रहा था, टीवी देख रहा था, अगर नहीं हुआ तो फिर जाते हैं हॉस्पिटल, वैसे उसको अडोल वोल देंगे, उससे फ़र्क पड़ जाता, पर नहीं पड़ा तो जाएंगे। वर्कआउट हो गया, डन, चलते हैं घर। 1.5 घंटा वर्कआउट किया, कितनी कैलोरीज बन गई, 350, क्योंकि ना ट्रेडमिल पे आप इंक्लाइन मोड पे चलते हो ना, तो अच्छी खासी कैलोरी बर्न हो जाती है। तो बस अब चलते हैं, थक गए हैं, आज क्लास नहीं लगाएंगे। तो अनज्ञ बीमार है, दूसरा मेरा मन भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना जब क्लास लगा लेते हो ना तो हालत ऐसे हो जाती है मरने वाली, तो उसके बाद ट्रेडमिल नहीं चलता, हिम्मत ही नहीं पड़ती उस पर खड़े होने की। तो अभी आज मैंने ट्रेडमिल ही किया, और दूसरा ना 2-3 दिन से ना लेग की क्लासेस ही लग रही हैं, तो तब से ऐसे टांगों में पेन हो रहा है, जैसे बॉडी शेप करो उसमें भी लेग काउंट हो जाती है, लेग की एक अलग से क्लास लगती है, स्ट्रांग नेशन में भी लेग्स पे काफ़ी जोर पड़ता है। तो 3 दिन से वही चल रहा था, तब था कि आज ट्रेडमिल करना है और बाकी वर्कआउट करना है, हैवी डंबल वगैरह उठाने, आज वही किया है बस, अब निकलते हैं, भूख लगी है। हाय गाइस, खाना खा लो, भूख बहुत ज़ोर से लगी है, 10 बज गए हैं। लड़का ना कब से जिद पड़ा हुआ, कह रहा कि मैगी खानी है, और मैगी मिलेट की जो थी या रागी की थी वो मिली नहीं, क्योंकि ना जिस साइड वो स्टोर है वहाँ मेंटेनेंस का काम हो रहा है, रोड पूरा ख़राब हुआ, अपना पूरा ब्लॉक कर रखा है, तो हम उस दिन गए नहीं, गए थे भटक भुटक के आगे, एंटर हुआ ही नहीं। तो अभी ये दूसरी यूपी मैगी लाई हुई हूँ, पर ये पता नहीं इसको ख़राब ना लगे, रात को ऐसे उल्टी भी करती थी, पर जिद से अड़ा हुआ, खाना नहीं खा रहा, कह रहा मैगी खानी है, पता नहीं मूड खराब हो गया, मन खराब है, टेस्ट चेंज हो गया, पता नहीं क्या करता है ये। एकदम कुट भी जाओ, चलो बेटा अभी चढ़ ही रहा है ना, तो इससे उतर जाएगा, खराब हो गया, ठीक है, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, चले भी नहीं रहा, कुछ नहीं, ऊपर लेने बचा है मी गुल्ले, बस 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 पिंदा, हां हां बड़े दिनों से दवाई नहीं खाई ना, इसलिए नाटक कर रहा है ना, बस हो गया, हो गया, चलो बस अभी फीवर नहीं आएगा। आज अनज्ञ भी बीमार है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है बट है थोड़ा सा, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज घर की हालत इतनी गंदी है, मैंने सोचा था कि मैं पाइप मंगवा के पूरा घर क्लीन करवाऊँगी या कुछ करूँगी, तो आज तबीयत ख़राब है, कल भी मेरे से नहीं हिला जाएगा, तो मैं कल तो मेड बुला लूँगी या फिर हस्बैंड को दूंगी, लो पकड़ो आप करो काम। आज तो घर की हालत इतनी गंदी कि कोई आएगा ना अगर घर पर, मैं उसको बोलूँगी भाई मेरा बेटा बीमार है और मेरा घर बहुत गंदा, अंदर नहीं आना, बाहर खड़े होके जो बात करनी है कर लो, मेरे घर की हालत बहुत गंदी, घर गंदा, और पता है मैंने 2-3 बार डांट भी खा ली है, फिर वो उसके बाद वो बोलते, फिर वो कई बार फील होता है कि नहीं थकी हुई है, ठीक नहीं है, बोलते कि चलो ठीक है कोई नहीं, पहले उनको पता नहीं था,
ऊपर उनको गुस्सा बहुत आता है कि जिम चली जाती है। जिम के टाइम मैं ठीक थी, उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। कल वैसे भी छुट्टी है, फ्राइडे है, ऑफ होता है जिम का, तो कल निपटाएंगे। ठीक है, खुद से निपटा गया तो ठीक है, नहीं तो पक्का कल मेड बुलानी है। ना भाई, बस घर की हालत बहुत खस्ता है, इसको साफ करना है। आप भी बोलोगे कि आप किचन किचन सफाई सफाई करती रहती, तो ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ओसीडी है सीवियर वाली। सच बता रही हूँ, वैसे मतलब वैसे डॉक्टर ने नहीं बोला, हम वैसे मजाक कर रही हूँ कि हमें है दोनों को, तो हमारे बड़ा किच 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 लगा रहता है। और मेरा बहुत मन है मैं अपने घर को थोड़ा सा रेनोवेट करवाऊँ, थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहती हूँ घर में। बट पता है हमारा नुकसान पता क्या है, ये देखो यूएई में रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, यहाँ पीआर नहीं मिलती है। घर जाते हैं तो पापा बोलते हैं आपने यहाँ रहना नहीं, क्योंकि उनको पता है बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो गांव में आके क्या ही रहेगा। तो उनको होता है कि तुम लोगों ने आके रहना नहीं, जिनको शहर की हवा लग गई हो वो घर कहाँ आके छोड़ छाड़ के घर नहीं आते हैं। ठीक है, उनका ये मानना है। सो जेन्युइन सी बात है, जब तक जॉब जहाँ होगी, जॉब के लिए पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, तो क्योंकि बच्चे पढ़ाने हो तब तक तो आप नहीं छोड़ के आ सकते सिटी को। तो उनको बोलते हैं घर रहना नहीं है तो ऐसे सामान खरीदते रहो। वो तो मंजा तक भी खरीदने नहीं दे रहे थे मुझे, वो भी मैंने जिद करके दिल, मैंने कहा नहीं मुझे फोल्डिंग चाहिए, मुझे फोल्डिंग चाहिए, मैं कहाँ सोऊंगी, मुझे फोल्डिंग चाहिए। नहीं तो वो बोलते हैं नहीं जरूरत ही क्या बोलते हैं, तुम लोग रहते नहीं हो, आते नहीं, ऐसे सामान खरीदते रहो। यहाँ आके क्या होता है, हस्बैंड को बोलूंगी ये ले लेते, बोलो वो यहाँ का कोई पक्का है, यहाँ कोई बीआर मिलती है, यहाँ कोई पक्का है, पता नहीं जब तक नौकरी है तब तक है नहीं है, तो 2-3 महीने का वो देते नोटिस पीरियड और घर बजाना पड़ता है, फिर तुम रहोगी इतना सामान बेच के जाना पड़ता है। तो रहेंगे हमारी हालत तो गोभी के कुत्ते की तरह है, ना घर का है ना घाट का है। मैं तो उधर भी कुछ नहीं कर सकती, इधर भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए टाइम पास हो रहा है, हो रहे दो। फिर कई बार मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है कोई नहीं, मेरा टाइम आने दो, जब मेरा आएगा ना मैं कमाने लगूंगी तब मैं खुद खरीद के लाऊंगी, मैं मांगूंगी नहीं आप लोगों से किसी से। फिर ऐसे मुंह की तरफ देखते हैं, मैं क्या देखते रहो। और अनागे सो रहा है, उसको दवाई दिया, हल्का सा फीवर है, ज़्यादा नहीं है, बट सुबह वो बहुत जल्दी उठा था। मैं 6:30 बजे उठी थी तो वो 7 बजे उठा था, तो इसलिए उसको नींद आ गई, तभी सो गया है। तो उसको खाने के लिए हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही दे रहे हैं जितना खा रहा है। मैगी मैंने बनाई थी तो उसने 3-4 चम्मच खाए, उसके बाद छोड़ दिया। तो नगे पापा गए हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए, मैंने बोला था ना उनका एसी ख़राब हो गया, तो वो नीचे से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए छोड़ दिया। तो बिल बनाया उसने अच्छा खासा, क्योंकि गाड़ी में 1-2 चीज़ें और दिक्कतें थी। तो 8 साल हो चुके हैं, 8.5 साल गाड़ी लिए, तो अभी बोल रहे कह रहे मेरा बजट नहीं है, तो मैं फिर इस गाड़ी को खींचना मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूँ। जबकि गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट अंदर दिक्कत आ रही है। पता कब से गए हुए हैं, अब आ रहे हैं ये आधी रात को, इनको तो मैं बताती हूँ क्यों आए। जाओ, रहना था वहीं जाके। गाड़ी वाले को बोला था अपने पास ही रख लो। ऑलरेडी पैसे रख लिए। कितने पैसे बनाए? कितने बनाए? 14 दिरहम लगे। 1400 दिरहम कह रहा था कि इतना सा वो है। इतना सा हो गया, वो कंपोनेंट चेंज होना है, होना ही था वो। 1400 दिरहम पर। आपको सोना नहीं है? हाँ। कितना टाइम हुआ है? 11:30 हो गए। मैं तो सीरीज देख रही हूँ, आवाज कम करो एक तो। मैं अपने भजन लगा रहा हूँ। कौन सी सीरीज है? मैं कब से नेटफ्लिक्स ट्राई कर रही हूँ, मैं क्या चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, फिर पता लगा इधर चल रहा है। मुझे लगता दो पहले लग आपने लिए 2 स्क्रीनें ले रखी थी जब नग्गू देखता था, पहले आपने 2 स्क्रीन ले रखी थी ना, पहले अमीर से गरीब हो गए। क्यों, बच्चा तो एक ही है अभी, देखने नहीं मिलता टीवी मेरे को, तो करना क्या, स्क्रीन पे तो है वो भी नहीं देख रहा, तो तू भी देख। शुक्र मनाओ इतना भी मिल रहा है, मुझे पूछो मुझे तो मिलता ही नहीं है। आज मैं नग्गू सोया तो मिला टैब, वो दिमाग से इसलिए हमारे घर में हमें ना टीवी देखने को ही नहीं मिलता। पूछते आप बता घर वाले या फिर ऐसे फ्रेंड लोग पूछेंगे कि आप पसंद है क्या नहीं। क्या पता नहीं
जब फुर्सत मिलती है तो कहीं मिल जाता है टैब वगैरह, टैब तो पड़ा ही रहता है, टीवी नहीं देता। मतलब वो ऐसा है कि कार्टून देख रहा होगा ना, तो हम देखने लगेंगे तो बोलेगा आप क्यों देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो, टीवी नहीं देखते होते, आपकी आंखें खराब हो जाती, ऐसी बातें करता। अपने कार्टून में नहीं हमें देखने देता, वैसे हमने क्या ही देखना उसका, फिर भी चलो चलो सुनो सो जा। फिर तो सवेरे उठना नहीं, फिर तुम मैं जो कहा ना जी मैं सानू घुमा लिया, जी सानू कितने घुमा लिया होते तो नहीं कहना हले मैंने नींद लगी है, मैंने 10 बजे तो पहले कोई उठावे ना। तू आडे चक्कर चो मैं 1-1.5 लाख रुपया ला के ड्राइविंग सीखा, फिर उस तो बाद गड्डी भी चाहिए होगी, स्कूटर थोड़ी चला के जाना है। अच्छा तो फिर आप नहीं, जैसे मेरे आप ऑफिस गए तब मेरा मन किया कहीं जाने का, तब तो टैक्सी लेना रेंट पे लेना, एक और ले लूंगा तो मैं टिड्डा ले दूंगा छोटे निशान से नहीं, 15-20 हजार मेरे ही वाच कह रहा था, मेरे पास बहुत गाड़ी लेने का है, मतलब देखो तो 15-20 हजार तो चक्कर से 1.5 लाख था वो भी जो फर्स्ट टाइम से निकल गया था। अरे 1.5 लाख की मत बहुत है ना, तुझे मार नहीं, मैं बोली लाइसेंस की बात कर रही हूँ। तो वो दे देते हमने पता है रेस में दे रहे हैं बल्ला बल्ला बच्चे रोड जा पड़े ना वुमन को दे देते हैं एक को ये ड्राइविंग नहीं है, बंदा खुद अपनी जान बता रहा था लेडी ड्राइवर से, दूर से पता चल जाता है गाड़ी कौन चला रहा है, 80 रोड पे स्पीड में रखते हैं जनाने फिर भी पर अच्छा आप बताओ यहाँ इंडिया में गाड़ी चलाना आसान है या यहाँ पे पहाड़ों पे या यहाँ पे आसान? आसान तो आपको चलानी आना चाहिए, अगर आपको हाथ अच्छा है तो सब जगह आसान है, नहीं है तो सब जगह दिक्कत है। नहीं मैं पहाड़ों में चला लेती हूँ, आप तो इतनी अच्छी तो नहीं चलाती पर चला लेती हूँ, पर यहाँ सीखनी हो तो चला लूंगी। मुझे तो यही लगता है कि यहाँ कब मोड़ आ जाए समझ ही नहीं आता, नहीं आएगी ना यहाँ तो डर ही बड़ा लगता है। ड्राइविंग सीखने से ज्यादा डर लगता है कि क्या बोलते हैं चलाने ना कर जाए, यहाँ तो चला नहीं इतना मोटा होता है। तो जेटा डिपोर्ट करना जेल से सुटना बकरा सुमति नहीं चलाओ अपने अंदर चला लो एक तो देखो 1.5 लाख जी फर्स्ट टाइम च निकलिया था 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लगेगा ठीक है, एक तो वन लाइसेंस लो मर मर आके ठीक है, उसके बाद ये डर कि हल्की सी को हल्की सी खरोच भी ना लग जाए, कहीं इधर उधर से कोई देख ही नहीं रहा हो, कोई कैब रहा कहते गलत टर्न ना ले लिया हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप गाड़ी बैक कर ही नहीं सकते, आपको यू टर्न ही लेके आना पड़ेगा। गाड़ी बैक को प्रॉब्लम नहीं, वो सेफ्टी का जान बचती है। तो फिर विचो कट मार के नहीं निकल सकते, मतलब इतने रूल्स है ना यहाँ पे, तो जरूर गले फा पाना, चंगी बड़ी जिंदगी निकलती भी है एवं डर डर के गले च मुसीबत पानी। चलो मैं देख रही हूँ पंचायत, यस अच्छी मूवी है, धीरे धीरे चल रही है, स्लो स्लो पर अच्छी लग रही है। नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी आ रही है क्योंकि आज मैं दोपहर को सोई थी, तो आपने आना नहीं, बैठे रहो। सुबह अगर हमें घुमाने कहीं नहीं लेके गए फिर देखना, अगर आपने बोला कि हमें तुम जाओ गार्डन में तो हम गार्डन में भी नहीं जाएंगे, क्यों जाए गार्डन में इतनी गर्मी मत मारी, ये जड़ी गार्डन च जावांगे असि है, सानू लैके जाना घुमाने की, क्योंकि कल थोड़ी लास्ट छुट्टी है, फिर थोड़े ऑफिस लगी जाने तो अह घूमने ही जाना खरा, कल जिम की भी छुट्टी है, शैल जहा घुमाई ले आइयो, खरीदी ले आइयो 2-4 कपड़े, शैल शैल जे कपड़े खरीदने, एक सौ शैल जहा पर्स खरीदी दियो, एक शैल जहा गहना खरीदी दियो कहना छुट्टी आई है ब्याह दी असी तो साड़ियाँ बिन सैर पैर वाली गल्लां ये तो मुकनियां ही नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग च, जय सिया राम।